सत श्रीकाल प्यारे बच्चे, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर अपनी अज की वीडियो विच। आप डिस्कस करांगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10वीं जमात लई मैथ दे, जिहड़े कि बेटा तुहानू टर्म 1 दे विच पुछे जाणगे। ठीक है, इहनू तुसीं सैंपल पेपर मान सकदे हो। जिहड़े आपां अज क्वेश्चन पूरे 40 क्वेश्चन आपां इस वीडियो विच डिस्कस करांगे। तो ये क्वेश्चन नैस लई नहीं मैं कह सकता, पर टर्म 1 जिहड़े तुहाडे पेपर होने हैं नैस तो बाद पक्के पेपर, उन्होंने बहुत तुहानू हैल्पफुल होणगे। मतलब वो इहो जिहा पेपर है जिहड़ा तुहानू टर्म 1 दे विच आउणा है, जां आपां कह लईए कुछ क्वेश्चन तुहानू इहदे विचों भी पुछे जाणगे। ठीक है बेटा, तां इस वीडियो नूं अज दी नूं तुसीं ध्यान नाल समझना है किस टाइप के क्वेश्चन आपां नूं पुछे जाणगे। पहला क्वेश्चन है साडा, अभाज गुणखंड रुख में पूरा करने लिए खाली थान ढुकवी संख्या भरो। हुण सानू अभाज गुणखंड रुख इत्थे दिता होया, देखो उपर जिहड़ा अभाज गुणखंड रुख हुंदा बेटा, इन्हां दोहां दी मल्टीप्लीकेशन इत्थे लिखी जाऊगी। इत्थे 7 है ते इत्थे 5 है, तां इत्थे किन्ना आ जाएगा 35। असीं कहे 35 दूनी 70 आ गया, 70 दूनी 140 आ गया, तां इत्थे अपनी जिहड़ी आपां नूं थान दित्ती होई सी इतने कि आना सी 35 आना सी। ठीक है, तो इतने ऑप्शन अपने को नहीं है, दिखाई नहीं हुई, तो इतने जो कोई ऑप्शन दिखे होता इतने कि आ जाएगा 35 आ जाएगा। नैक्सट, आलेख तो बहुपद के सिफर की गिनती पता करो। आलेख सानू दिता हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर्म द ग्राफ। जिहड़ा आलेख जे नहीं लिखा तो असं पी एक्स का ही लैके चलेंगे। जे पी एक्स का आलेख है, ये एक्स धुरे नूं किते नहीं कटदा, आ पिया साडा आलेख तां कटदा नहीं हैगा, तां इस दे विच सिफरां दी गिनती किन्नी है, 0 है। नैक्सट क्वेश्चन, ए पी -5 -1 -3 -7 विच ए अते डी पता करो। ए मतलब पहला पद, ए विच किन्ना भी -5 पहला पद, डी किन्ना इहनां विचों घटा दिंदे आपां, 7 दे विचों 3 घटा दो, तां डी सांझा अंतर साडे कोल किन्ना है, 4। ए -5 आ गया पहला पद, डी 7 दे विचों 3 घटा के 4 आ गया। ठीक है, सांझा अंतर 4 आ गया। नैक्सट क्वेश्चन, जे 3 बिंदु ए बी सी समरेखी होन तां इहनां तों बनण वाली त्रिभुज ए बी सी का खेत्रफल किन्ना होएगा, 0 वर्ग इकाइयां। ठीक है, एक इत्थे एक इत्थे एक इत्थे, देखो बेटा इहनां तों कोई त्रिभुज नहीं बन रही समरेखी बिंदुआं तों, जां असीं कह लईए बिंदु संपाती ने इक थां ते ने तिन्नों फिर भी समरेखी हो सकदे ने, ਤਾਂ ਸਮਰੇਖੀ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 0 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 0 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਰੇਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਥੀਟਾ ਲਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ 4/3, ਸਹੀ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬ ਵਟਾ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 4/3 ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਅਰਧਵਿਆਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਣ ਪੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ? ਜਿਹੜੀ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਪ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, P/360 2πr। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰਫਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2 ਲਿਖਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ, P/360 2πr। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, P/360 2πr। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 2 × 2 180 ਆ ਜੂਗਾ, ਭਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, P/180 2πr ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, P/180 2πr। ਬਿੰਦੂਆਂ ਏ ਬੀ ਅਤੇ -A - B ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, X2 - X1² +Y2 - Y1² ਸੋਲ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ -A ਘਟਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ 2A² ਆ ਜੂਗਾ,
सिमिलरली असी बी दे विचों असी माइनस बी घटाउणा तां 2 बी दा स्क्वेयर आ जूगा। फार्मूला ला दांगे, 2 ए स्क्वेयर मतलब 4 ए स्क्वेयर, 2 बी स्क्वेयर मतलब 4 बी स्क्वेयर। 4 आ जिहड़ा कॉमन बाहर निकल जू वर्गमूल दे विचों, 2 आ जूगा तां जिहड़ी साडी दूरी आ उह आ जूगी 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर वर्गमूल। ठीक है, फार्मूला लावांगे आपां, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर इट्स होल वर्गमूल, दूरी सूत्र। ठीक है जी, डैश घटना की संभावना 0 है। केड़ी घटना की संभावना 0 है? भी असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव घटना की संभावना 0 है, तो इतने की भरेंगे असी असंभव। नैक्सट क्वेश्चन, जे ए अते बी धनात्मक संख्यावां होण तां एच सी एफ ए बी गुणा एल सी एम ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, दो संख्यावान का मम्मा स्वभाव गुणा लला स्वभाव बराबर संख्यावान का गुणनफल। एच सी एफ ए बी गुणा एल सी एम ए बी बराबर ए गुणा बी, साड़ी पहली ऑप्शन सही आ जूगी। जेकर बहुपद की घात डैश हो रेखी बहुपद है, जेकर बहुपद की घात एक हो रेखी बहुपद है, जे दो हो जाए फिर वह कि बहुपद है बेटा, दो घाती बहुपद। ठीक है, जे आप कह दिए भी 0 है घात, फिर कि बहुपद है? अचल बहुपद है। ठीक है, जे किसी बहुपद की घात 0 है तो वह कि बहुपद है? अचल बहुपद है। जे अपन कह दें भी सिफर बहुपद है, वो घात दसो, सिफर बहुपद की घात है जी परिभाषित नहीं लिखा असी। ठीक है, सिफर बहुपद की घात परिभाषित नहीं, रेखी बहुपद की घात कितनी होती है? एक। की लड़ी 2 4 8 16 ए पी है, जेकर है तो समझा अंतर। हूँ 2 4 8 16 अंतर देख लो, इतों देखिए फर्क 2 का, इतों देखा 4 का, इतने देखा 8 का, तो जो अंतर है ना भी साझा अंतर बराबर नहीं है, तो यह ए पी नहीं है। वही क्वेश्चन आ गया अपना पहला वाला, जेकर त्रिभुज ए बी सी का खेत्रफल 0 वर्ग इकाइया है तो तीनों बिंदु ए बी सी की होंगे भी समरेखी। जे समरेखी ऑप्शन के है तो समरेखी लिखोगे, जे संपाति है तो संपाति लिखोगे। ठीक है जी, इस केस के समरेखी होंगे। मुल पता करो, कॉस 48 माइनस साइन 42, 90 डिग्री तो रोटेट करने वाले आप सीखे ने, क्योंकि आपां नूं पता भी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होंदा है साइन थीटा दे, असी कॉस नूं रोटेट कर लेंगे। साढ़े कोल ऑप्शन है कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस नूं लिखांगे असी, 48 नूं किवें लिखांगे? 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ठीक है, आपां सिर्फ 48 नूं लिखा, किवें लिखा? 90 चों जे 42 घटा देंगे तो साढ़े कोल 48 बन जू, पर यह की बन गया? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा साढ़े कोल इत्थे 42 है, तो असीं इहनूं की लिखांगे भी? साइन थीटा, यानी कि साइन 42 माइनस साइन 42, साइन 42 चों साइन 42 कढ देंगे, ना आजू आंसर साडा 0। ठीक है, किन्ना आंसर आजू बेटा? 0 आजूगा। नैक्सट क्वेश्चन 14, जेकर किसी चक्कर दे चक्कर खंड का खेत्रफल अनुसारी अर्धव्यासी खंड के खेत्रफल तो घट होंदा, जिहड़ा कहिंदे चक्कर खंड का खेत्रफल है। ठीक है, आपां चक्कर खंड का खेत्रफल देखदे हां, उसदे अनुसारी जिहड़ा ये हो गया उहदा चक्कर खंड, आह वाला जिहड़ा खेत्रफल है उस दे अर्धव्यासी खंड के खेत्रफल तो घट है, तो इस नाल तो घट ही है ना टोटल नाल। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, जे लघु लगे चलेंगे तो यह स्टेटमेंट सही है। नैक्सट, जेकर एक किसी एक ठोस वस्तु नूं दूजे ठोस में बदलिया जाता है, पिघला के एक ठोस तो दूसरा ठोस बनाया जाता, तो उसका आयतना जिहड़ा वह की हुंदा है? बदलता नहीं, बराबर ही रहिंदा है। ठीक है, नहीं बदलता, डज नॉट चेंज। किसी घटना की संभावना कदे भी ऋणात्मक नहीं होंदी, बिल्कुल सही है, किसी भी घटना की संभावना कदे भी ऋणात्मक नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। नैक्सट, थीटा के बदलना कॉस थीटा का मुल भी बढ़ता है, थीटा के बदलना कॉस थीटा का मुल घटता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, जो अपन एवं क्वेश्चन होंगे थीटा के बदलना कॉस साइन थीटा का मुल बढ़ता है, फिर ये सही होना सी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन,
बिंदुआ ए माइनस दो अठ बिंदुआ अगे बिंदु हैगा बी माइनस छे माइनस चार मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होएगा। तो मध्य बिंदु किवें कढ़दे हुंदे बेटा आपां, एक्स वालों का जोड़ करके दोनों भाग करो, वाई वालों का अड जोड़ करके दोनों भाग करो। चलो माइनस दो ते माइनस छे का जोड़ दोनों भाग अठ, प्लस माइनस माइनस ही हो जाना तो आप कल माइनस ही लिखोंगे। माइनस दो ते माइनस का छे मतलब माइनस अठ बटा दो, दूसरे केस विच चार बटा दो। माइनस अठ नूं दो नाल भाग करांगे माइनस का चार, चार नूं दो नाल भाग करांगे ना आजूगा दो। तो जिहड़ा इन्हां दा मध्य बिंदु आ उह किहड़ा है, माइनस चार कोमा दो। एक्स वाले दोनों पॉइंट जोड़ के दोनों भाग कर दो, वाई वाले दोनों जोड़ के दोनों भाग कर दो, तुहाडे कोल मध्य बिंदु माइनस चार कोमा दो आ जाएगा। सी की लड़ी ए दो ए तीन ए चार ए ए पी है, जे है तो समझा तो दसो। ए दो ए तीन ए चार ए, देखो अंतर इतने भी ए का फर्क है, इतने भी ए का, इतने भी ए का साझा अंतर जो बराबर है मतलब ए है, ठीक है। इस करके ये एक ए पी है, अंक गणितक लड़ी है, साझा अंतर करना इन विच ए का फर्क है। नैक्सट अलेख तो बहुपद के सिफरों की गिनती दसो। तो यह भी असी अलेख कि लैना पी एक्स का, तो तुसी देखो ये अलेख एक्सतुरे नूं किन्ने बार कट रहा, भी दो बार, ठीक है। अलेख एक्सतुरे नूं दो बार कट रहा, तो इस सिफरों की गिनती किन्नी है, दो। इक्कीवां क्वेश्चन साडा, हर एक भाज संख्या नूं अभाज संख्यावां दे गुणनफल दे रूप विच दर्शाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, कोई भी भाज संख्या लै लो, असी छे लै ली जिवें, इसनों असी अभाज संख्यावां दे गुणनफल दे रूप विच दर्शा सकते हैं। दो ते तीन दे विच दो भी अभाज है, तीन भी अभाज है, ठीक है। इसनों असी बोलते हैं अंकगणित दी मूलभूत प्रमेय, ठीक है, फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमैटिक। नैक्सट जेकर एक चक्कर का परिमाप और खेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हैं तो उस चक्कर का अर्धव्यास है, तो असी कर दें चक्कर का जोड़ा खेत्रफल है उसनों असी उस दे परिमाप के बराबर करता, ठीक है। पाई नाल पाई कैंसल, आर स्केयर नाल आर कैंसल, दो बारी आर है ना, तो इधरले पास आर बच गया, दूसरे पास की बच गया दो। तो जे वह खेत्रफल तो घेरा परमाप बराबर हैं तो उस केस के जो अर्धव्यास है वह कि होगा, दो इकाइया, कि होगा भी दो इकाइया, पहली ऑप्शन साड़ी सही है। शंकु के आयतन का सूत्र लिखो, वट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। शंकु के आयतन का सूत्र होंगे एक बटा तीन पाई आर दी दो एच, एक बटा तीन पाई आर स्केयर एच, ठीक है। नैक्सट जेकर पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 0.05, तो पी ई नहीं की है, ई नहीं की संभावना की है, आपां नूं पता पी ई प्लस पी ई नहीं, ठीक है, इस संभावना का जोड़ करना होंदा एक। तो जे असी पी ई नहीं कढ़ना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नहीं, तो किवें, एक चो घटा दो इहनूं, तो एक चो 0.05 घटा देंगे तो साडे कोल किन्ना आ जाऊगा 0.95। इसके होने की संभावना 0.05 है, इसके ना होने की संभावना की है 0.95, ठीक है। हेठ लिखा विचों केड़ी संख्या किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती, केड़ी नहीं हो सकती भी, माइनस 1.5, क्योंकि यह ऋणात्मक है, ऋणात्मक किसी भी घटना की संभावना नहीं हो सकती, संभावना हमेशा 0 ते 1 के विचकार हो सकती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो हमेशा इन दे विचकार ही होएगी। घनाब की कुल सतह का खेत्रफल पता करने का सूत्र लिखो, जे घनाब की लंबाई एल बी एच लवेंगे, लंबाई चढ़ाई ऊंचाई, तो उसकी कुल सतह का खेत्रफल बनूगा 2 LB बी एच प्लस एच एल, 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल। चक्कर नू दो बिंदुओं से कट्टन वाली रेखा नू असी की बोलते हैं बेटा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, की बोलते हैं असी, छेदक रेखा। जिहड़ी चक्कर नू दो बिंदुओं से कटदी है वह कि रेखा होंदी है, छेदक रेखा। जिहड़ी एक बिंदु से कटदी है जां स्पर्श करदी है उसनू असी कि रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। चक्कर के उपर अनंत छेदक रेखावां हो सकदियां, ठीक है। मुल पता करो, साइन 18 माइनस कॉस 72 उही लावांगे बेटा आपां, साइन 90 माइनस सीटा
90 ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos ਥੀਟਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਹੈ sin 18 ਬਟਾ cos 72। ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sin 90 ਮਾਈਨਸ 72। 90 ਜੋ ਜੇ 72 ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ 18 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੀਚੇ sin 72 ਹੈ ਸੋਰੀ cos 72 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ sin 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ, cos ਥੀਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ cos 72 ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos 72 ਸੀ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ ਸਾਡਾ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 0 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਕੀ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹਨ, ਸਮ ਰੇਖੀ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਏ ਪੀ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਡੀ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਕਿੰਨਾ, 0.6, ਡੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਦਿਉ, 1.7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.6 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਉ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 1.1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.1 ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਕਿੰਨਾ, 0.6। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2, ਜਦਕਿ 3 ਘਾਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਿਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 5 ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, 25। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵੀ 25, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 25 ਦੀ 75, 75 ਦੂਣੀ 150 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 33ਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਪੀ ਵਟਾ ਕਿਊ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ 2 ਜਾਂ ਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਐਮ ਜਾਂ 5 ਦੀ ਐਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ, ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਖੰਡ 2 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਦ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ ਜੂਗੀ। 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਜ਼ 2। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 35ਵਾਂ, ਕੀ ਲੜੀ ਵਰਗਮੂਲ 3, ਵਰਗਮੂਲ 6, ਵਰਗਮੂਲ 9, ਵਰਗਮੂਲ 12 ਇੱਕ ਏ ਪੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਰਗਮੂਲ 6, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਗਮੂਲ 2, ਵਰਗਮੂਲ 3। ਵਰਗਮੂਲ 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵਰਗਮੂਲ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਤੀਏ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 4 12 ਆਜੂਗਾ, ਇਹ ਆਜੂਗਾ 2 ਵਰਗਮੂਲ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਏ ਪੀ ਹੈ। ਵਰਗਮੂਲ 3, ਦੂਸਰਾ ਪਦ 2, ਵਰਗਮੂਲ 2, ਵਰਗਮੂਲ 3, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 2 ਵਰਗਮੂਲ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਏ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣਾ 36ਵਾਂ, ਬਿੰਦੂਆਂ -5, 4, 7, 8 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੱਸੋ। ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਉ। -5 ਅਤੇ 7 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਆਜੂਗਾ, 2/2। 4 ਅਤੇ 8 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 12/2 ਆਜੂ, 2/2 ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 1 ਆਜੂ, 12 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 6 ਆਜੂ। ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, 1 6, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 6। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਦਲਣਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ ਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਅਰਧਵਿਆਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਣ ਪੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਪੀ ਵਟਾ 360 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2। ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਬਟਾ 360 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2 ਬਣ ਜੂ, ਅਤੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੂਗਾ 720, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਪੀ ਬਟਾ 720 ਗੁਣਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2। ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਗੋਲੇ ਵਰਗੀ, ਲਾਈਕ ਆ ਸਫੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਘਟਨਾ ਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਲੱਸ ਘਟਨਾ ਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀ ਈ ਪਲੱਸ ਪੀ ਈ ਦੀ ਵਾਰ ਬਰਾਬਰ 1, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਮ 1 ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।